देश दुनिया की जनता को अपनी आवाज से दीवाना बनाने वाली मशहूर और क्यूट सिंगर नेहा कक्कर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो जहाँ भी जाती है एक नई मिसाल पेश करती है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि नेहा कक्कर जमीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने वो दिन देखे हैं जिन्हें आज भी जब वो बताती है या सोचती है तो कांप जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नेक दिल नेहा बहुत जल्द इमोशनल हो जाती है और यही कारण है कि जब वो किसी का दुख या दर्द सुनती हैं तो उन्हें अपने संघर्ष और गरीबी के दिन याद आ जाते हैं और वो वहीं रोने लगती हैं। एक बार फिर नेहा कक्कर सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर रोती नजर आई तब जब उन्होंने कंटेस्टेंट मनी की दुख भरी कहानी सुनी। उसके बाद नेहा कक्कर ने मनी को एक छोटी सी भेंट दान की जो कि हर बार किसी न किसी के साथ नेहा करती हैं। और फिर सिर्फ नेहा कक्कर ने वही किया, एक बार फिर नेहा कक्कर की हर तरफ जय जयकार हो रही है। आखिर नेहा कक्कर ने मनी को कितने रुपए की राशि भेंट की है हम आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे ब्लॉग चैनल नीतू की पलटन का दूसरा ब्लॉग आ गया है जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जल्दी से चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेहा कक्कर मंच पर सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर की ट्रॉफी लेकर आती हैं। नेहा के साथ HR यानी हिमेश रेशमिया भी होते हैं। नेहा की नजर में तो सभी कंटेस्टेंट विनर हैं, लेकिन वो ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलने वाली है और शायद नेहा अब विनर चुन चुकी हैं। हो सकता है कि नेहा मनी को विनर बनाए। इनके अलावा नेहा कक्कर फैज की परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हुई। नेहा कक्कर ने फैज के गिटार पर ऑटोग्राफ दिया। बाकी कंटेस्टेंट के साथ नेहा कक्कर मंच पर जमकर ठुमके लगाती हैं और खूब मस्ती करती हैं। शायशा की परफॉर्मेंस देखकर नेहा कक्कर चौंक जाती हैं, क्योंकि इस बार पवनदीप की कंटेस्टेंट शायशा भी ड्रम के साथ मंच पर परफॉर्मेंस देती नजर आई। वहीं मनी ने नेहा कक्कर को तो रुला ही दिया। नेहा कक्कर शुरू से बिल्कुल ठीक थी। नेहा कक्कर सबकी परफॉर्मेंस का आनंद ले रही थी, लेकिन जैसे ही माही वे गाने को गाते हैं नेहा कक्कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। नेहा कहती हैं कि मैंने स्टेज पर कई बार ये गाना गाया, लेकिन मैं आज भी माही वे तुम्हारी तरह नहीं गा सकती हूँ। नेहा को जब पता चला कि मनी बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, मनी के पास पहनने को कपड़े तक नहीं हैं, उनकी माँ हाथों से उनकी शर्ट सिलती हैं और वही मनी पहनते हैं। मनी के पिता पर काफी कर्ज है, इसलिए वो घर की छत भी नहीं बनवा पाए। बहुत गरीबी में मनी के घर का खर्च चल रहा है। ऐसे में नेहा मनी का संघर्ष सुनकर रो आती है और फिर मनी के पिता से कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं मनी के लिए घर की छत बनवाने के लिए 5 लाख रुपए भेंट देना चाहती हूँ। मनी चैन की नींद सो सके। ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि कई बार नेहा कक्कर लोगों की ऐसे ही मदद कर चुकी हैं। पिछले साल नेहा कक्कर ने संतोष आनंद और फरमानी की भी मदद की थी। कल आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। आगे और भी पवनदीप अरुंधति की दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें हमारे ब्लॉग चैनल नीतू की पलटन का दूसरा ब्लॉग आ गया है जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जल्दी से चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। दिस इज सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से जो रोमांटिक वीडियो सामने आई है उसमें पवनदीप, अरुणिता, दानिश, शायली, सलमान सभी कैप्टन गेस्ट बनकर आई आशा पारेख का खास स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। उनके सम्मान के लिए ये सब मंच पर आकर गाना गाते हैं। पवनदीप तो आशा जी का हाथ अपने हाथों में लेकर रोमांटिक गाना गाते हैं और तभी इनके पीछे अरुणिता कांचीलाल भी चल रही होती है। पवन की एक नजर आशा जी पर है और दूसरी नजर अरुणिता पर है। अरुणिता जब उनके पीछे होती है तो पवन उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करें और अरुणिता के लुक ने तो भाई सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। येलो साड़ी में अरुणिता कहर ढा रही है और उनके कर्ली हेयर ने तो उनके लुक में 4 चांद लगा दिए। अरुणिता को पवन देखते ही रह गए और आशा जी के सामने तक अरुणिता का हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि पवन अरुणिता एक दूसरे की कितनी केयरिंग करते हैं, कितना प्यार करते हैं। कल आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम आपको पवन अरुणिता की और भी दिलचस्प स्टोरी बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक ब्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
पवनदीप राजन के फैंस को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आप भी मदहोश होने वाले हैं और पवनदीप को बधाई दिए तो आप भी रह नहीं पाएंगे। जी हाँ, इस बार पवनदीप ने एक नई फिल्म में अपनी आवाज दी है, जो वाकई बहुत खुशी की बात है। हर कोई उन्हें बधाइयां दे रहा है और उनके सफल होने की कामना कर रहा है। जी हाँ, पहली इंडो नेपाली फिल्म बनने जा रही है, जिसका पोस्टर भी निकल कर सामने आ गया। हम आपको स्क्रीन पर पवन की इस नई फिल्म का पोस्टर दिखाने जा रहे हैं। पवनदीप इस फिल्म के लिए अपनी आवाज भी दे चुके हैं और बहुत जल्द आप इस फिल्म में पवनदीप की आवाज को सुनने वाले हैं। पवनदीप ने इस फिल्म के लिए काम कर लिया है, बस अब फिल्म के रिलीज होने का इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको पवनदीप की इस फिल्म की पूरी डिटेल बता दे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि पवन और विनीता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फैन, सबसे पहले तो आप यही जानना चाह रहे होंगे कि फिल्म में अरुणिता की आवाज है कि नहीं है, क्या पवनदीप बिना अरुणिता के अकेले ही इस फिल्म में गाना गाने। तो फैंस, इस बार इस फिल्म में पवन के साथ अरुणिता नहीं है, लेकिन पवन के अलावा और भी सिंगर्स की आवाज है, जिसमें स्टेरिंग कर रहे हैं प्रदीप खाड़का। क्रिश्चियाना ग्रुप भी इस फिल्म में शामिल है, और आर्टिकल के सिंगिंग वाले ग्रुप को देखा जाए तो इसमें अंकित तिवारी, पलक मुच्छल, राहत फतेह अली खान और पवनदीप राजन का नाम शामिल है। जी हाँ, पवनदीप राजन ने इस फिल्म के लिए गाना गा लिया है। इनके अलावा हाल ही में पवनदीप अरुणिता गोवा में जिस इवेंट को करने आए थे, उसकी भी पिक्चर सामने आ गई है। अरुणिता के साथ कई फैंस ने फोटो शूट करवाया। अरुणिता पवन अपने फैंस के साथ एंजॉय करते वक्त बहुत खुश होते हैं, और इनकी ये खुशी आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो आपने अब तक पवनदीप को बधाई दी है कि नहीं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के बारे में कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली कि जिसे सुनने के बाद आप भी यही बोलेंगे कि ये प्यार नहीं है तो क्या है। आज फिर पवनदीप ने साबित कर दिया कि वो अरुणिता का हाथ कभी छोड़ने वाले नहीं है। तभी तो उन्हें इस वक्त मुंबई में होना चाहिए था, लेकिन वो अरुणिता के लिए घंटों इंतजार करते दिखे, फिर उनके लिए जयपुर भी पहुंच गए। लेकिन पवनदीप ने अरुणिता को अकेला एक पल भी नहीं छोड़ा। आज फिर पवनदीप अरुणिता के प्यार का हम आपको एक सबूत दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब क्या हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि पवन और अरुणिता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फैंस, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जयपुर में सिर्फ अरुणिता का ही शो था, लेकिन पवनदीप अरुणिता का साथ देने जयपुर पहुंच चुके हैं। दरअसल जयपुर अरुणिता आ गई थी, और अरुणिता को सरप्राइज देने के लिए पवनदीप भी दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाई दिए, बहुत खुश दिखाई दिए। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी देर इंतजार किया, क्योंकि दिल्ली से ही उन्हें जयपुर के लिए निकलना था। गोवा से कोई फ्लाइट नहीं थी, ऐसे में वो पहले दिल्ली पहुंचे और उसके बाद वो जयपुर पहुंचे। वहां अरुणिता ने जब पवनदीप को देखा तो वो खुश हो गई। अरुणिता को देखकर पवनदीप भी बहुत खुश हुए, और पवनदीप को भी अचानक जयपुर में देखकर अरुणिता फूले ही नहीं समा रही है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि पवनदीप का जयपुर में कोई शो नहीं था, फिर वो क्या सिर्फ अरुणिता के लिए जयपुर पहुंचे थे? क्या पवनदीप अपनी नजरों से अरुणिता को दूर नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो जयपुर पहुंचे? क्या पवनदीप वाकई अरुणिता की चिंता करते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।